अस्सलाम वालेकुम वीबर्स, आज मैं बना रही हूँ ब्रेड चिकन बॉल। तो मैंने देखिए इसके लिए सारी चीज़ें ली हैं। बॉयल चिकन लिया है, ब्रेड क्रम लिया है, ब्रेड लिया है, चीज़ और क्रीम लिया है, तेल लिया है, वाइट पेपर और पेपरिका पाउडर, रेड चिली। चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, ये गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून तेल। 2 टेबल स्पून तेल डालूंगी इसकी। हमारा तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये चिकन, जिसे मैंने इस तरह से छोटा छोटा पीस में कर लिया था। ये चिकन बॉईल करने के बाद पहले मैंने इसे बॉईल किया 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर, फिर और इसमें काली मिर्ची नमक डाला 1/2 टीस्पून काली मिर्ची और 1/2 टीस्पून नमक डालकर मैंने इसे बॉईल कर लिया। बॉईल करके मैंने इसे इस तरह से छोटा छोटा रेशा रेशा कर लिया था। और मैं इसे इसमें डालूंगी। डालूंगी 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, क्रीम और चीज़ है, क्रीम चीज़ मिक्स है, 2 टेबल स्पून क्रीम चीज़। अगर आपके पास ये ना हो तो आप ये मिल्क डाल सकते हैं। डालूंगी 4 से 5 इस तरह से कटी हुई लाल मिर्च। ये बड़ी लाल मिर्च है, मोटी वाली, ये मार्केट में अभी मिल रही है। और अगर आपको ये ना मिले तो आप इसके जगह पे शिमला मिर्च डाल सकते हैं। इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा, नमक मैंने चिकन बॉईल करने में डाला था। ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है, मैं इसे एक साइड पे रख दूंगी। ब्रेड लूंगी और सारे ब्रेड के साइड्स को इस तरह से कट कर लूंगी। ये देखिए मैंने सारा ब्रेड इस तरह से कट कर लिया, सबका साइड मैंने काट लिया। अब मैं एक बॉल में लूंगी पानी, से ब्रेड डालूंगी पानी में, इसका सारा पानी इस तरह से निचोड़ कर ये इसमें ये डालूंगी, इस तरह से कोट करूंगी। इस तरह से हो गया। मैं इसे ब्रेड क्रम लगाऊंगी। अब मैं इसे इसी तरह से सारा बना लूंगी। देखिए मैं इसी तरह से ये सारे बना लूंगी। मैंने सारा इस तरह से बना लिया। ये देखिए कढ़ाई में मैं तेल गरम कर रही हूँ। हमारा तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी देखिए व्यूअर्स, हमने इस तरह से यह सारा बना लिया। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है, ये देखिए कितना क्रिस्पी है। इस तरह से आप बनाइए, मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखाती हूँ।
ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। देखिए आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।